नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक, कोरोना संकट को लेकर हुई चर्चा, केंद्र की गाइडलाइन के तहत सरकार देगी रियायत। कांग्रेस ने लॉन्च की देवभूमि सेवा ऐप, लॉकडाउन में होने वाली परेशानी का करा सकेंगे दर्ज। तबलीगी जमात प्रकरण पर पुलिस की कार्रवाई, जमातियों को किया गया होम और इंटरनेशनल क्वारंटीन, उत्तराखंड आए 513 जमाती क्वारंटीन। अभिनेता मनोज वाजपेयी का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण, अभिनेता सैयद दीप डोवरियाल का भी हुआ स्वास्थ्य परीक्षण, अभिनेता ने स्वास्थ्य विभाग की टीम का हौसला बढ़ाया। लॉकडाउन में सुविधाओं की आस में एक गांव, सरकारी सुविधाओं के लिए तरस रही लोगों की आंखें, हरिपुर टोंगिया गांव में राशन के नाम पर खिलवाड़। अपने परिवार से मिलने को बेचैन हो रहे मजदूर, अन्य राज्यों से आए मजदूर अपने घर जाने को व्याकुल, प्रशासन से गुहार लगा रहे मजदूर। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। क्षेत्रीय विधायक एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कोटेद्वार के सतपुली तहसील परिसर में क्षेत्र के जरूरतमंदों को राशन की किट और कपड़े से बिना फेस कवर वितरित किए। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें, जिससे कोरोना महामारी को हराया जा सके। पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। गरीब एवं निराश्रित तबके को भी राशन किट वितरित की जा रही है। उनके द्वारा कुल 25 जरूरतमंदों को राशन किट वितरित करने के साथ ही मास्क भी वितरित किए गए। और कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य मनीष खंडूरी द्वारा प्रदेश कार्यालय देहरादून में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कोरोना महामारी में देश और प्रदेश भर से जरूरतमंदों की जानकारी एकत्र करने के साथ ही लॉकडाउन के चलते प्रदेश के बाहर फंसे लोगों तक आवश्यक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से देवभूमि सेवा ऐप लॉन्च किया गया। साथ ही प्राप्त जानकारी से राज्य सरकार और शासन प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। पूरा देश, पूरा विश्व और उत्तराखंड राज्य कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का काम कर रहा है और इस लड़ाई में निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग अपने दायित्व का निर्वहन पूरी और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु प्रदेश में लागू लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर प्रदेश में कुल 61 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 368 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में अभी तक कुल 2001 अभियोगों में 8613 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही अभी तक एमबी एक्ट के अंतर्गत कुल 21793 वाहनों के चालान काटे गए हैं और 4899 वाहन सीज कर दिए गए हैं और 1,06,00,000 रुपए संयोजन शुल्क भी वसूला गया है। उत्तराखंड में लॉकडाउन लागू होने के बाद 4857 व्हीकल पकड़े हैं, उनसे 1,04,00,000 का जुर्माना वसूला है, 1961 FIR दर्ज हुई और 8426 कितने लोगों को गिरफ्तार किया। और तबलीगी जमात प्रकरण से बचाव हेतु प्रदेश में लागू लॉकडाउन के उल्लंघन में उत्तराखंड पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी है। महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी के बाद कुल 1436 जमातियों में से अन्य राज्यों से उत्तराखंड आए 513 जमातियों को और उत्तराखंड के अन्य राज्यों में गए हुए 923 जमातियों को होम और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमित जमातियों के संपर्क में आने वाले 917 लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। जमात
जमातियों की बात करें तो कुल 14 से 36 जमाती थे जो 1 जनवरी के बाद हमारे प्रदेश में आए। इनमें से 513 बाहर के प्रदेशों के रहने वाले हैं जो लॉकडाउन के बाद यहीं रुके हैं, और 923 हमारे लोग हैं जो बाहर गए थे और 1 जनवरी के बाद उत्तराखंड वापस आए। तो इन 1436 लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया, टेस्टिंग करा दी। कुछ एक की टेस्टिंग इनमें से हरिद्वार जनपद की बाकी है, बाकी सबके टेस्ट हो चुके। फिर जो है हमने जो लोग पॉजिटिव आए जमात वाले हमसे, उनके सभी संपर्क जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आए थे उनकी भी लिस्टें बनाई, तो ऐसे 917 लोग हैं। और प्रदेश में लागू लॉकडाउन के उल्लंघन में उत्तराखंड पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही रमजान को लेकर पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि रमजान के दौरान लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा और नमाज अपने अपने घरों में अदा की जाएगी। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सब जगह यही कहा गया है कि कहीं भी माइक का प्रयोग नहीं होगा और नमाज जो है सामूहिक रूप से नहीं पढ़ी जाएगी, सब अपने अपने घरों में पढ़ेंगे। और आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए सबसे अपील की है, इनके धर्मगुरुओं से भी बात की है हमने, और सभी जिला प्रशासन को, पुलिस को, सबको भी हमने अलर्ट कर दिया। सबकी मीटिंगें हो गई हैं या चल रही हैं आज की तारीख। और नैनीताल में लॉकडाउन के चलते रामगढ़ के सोनीपत स्टेट में ठहरे अभिनेता मनोज वाजपेयी का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। रामगढ़ के सतोली में मनोज वाजपेयी, उनका परिवार और अभिनेता दीपक डोबरियाल और लॉकडाउन से पहले शूटिंग के लिए पहुंचे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते उन्हें और उनके परिवार को यहाँ रुकना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अभिनेता सहित दीपक डोबरियाल और स्वास्थ्य परीक्षण किया। उनका अभिनेता मनोज वाजपेयी ने टीम का हौसला बढ़ाया और उन्हें धन्यवाद भी दिया। लॉकडाउन के दौरान शुरू हो रहे रमजान महीने को लेकर तहसील प्रशासन द्वारा विकास नगर क्षेत्र में निवास करने वाले मुस्लिम समुदाय के मौलाना और स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। SDM विकास नगर सौरभ अजबाल और द्वारा बताया गया कि आने वाले रमजान को लेकर मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं को बुलाकर सरकार द्वारा कोरोना के लिए दी गई गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है। अभी तक सभी लोगों के द्वारा अच्छा सहयोग किया गया है, आगे भी उम्मीद की जाती है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रमजान के त्यौहार के मौके पर भीड़ एकत्रित नहीं करेंगे। इसके साथ ही सभी लोगों को अपने अपने घरों पर ही रहकर रमजान त्यौहार मनाने की अपील की गई है। आज हमने थाना विकास नगर क्षेत्र अंतर्गत जो आने वाला त्यौहार का सीजन है रमजान का, उसमें सभी जो हमारे धार्मिक गुरु हैं इनको बुलाया था, और उसमें कोरोना से बचने के लिए जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन दिए गए हैं उनको उसको फॉलो करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अभी तक इनके द्वारा अच्छा सहयोग किया गया है यहाँ पर, तो उसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए इनसे अपील की गई है और इनको बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग था वो, और जो भी नमाज अदायगी है या आने वाले त्यौहार का जो भी पूजा पाठ इन्होंने करना है वो सब अपने अपने घर में करेंगे और कहीं की भीड़ नहीं लगाएंगे। और सितारगंज पुलिस ने कोरोना महामारी में देश और क्षेत्र में चल रहे लॉकडाउन में केंद्र राज्य सरकारों द्वारा नए नियम के तहत घर से बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क लगाकर निकलने का पालन कराने को लेकर नगर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने नगर में बाइक सवारों और अन्य लोगों के जिन्होंने मुंह पर मास्क नहीं लगा रखे थे ऐसे लोगों के चालान भी काटे। वहीं अधिकतर लोग इस लॉकडाउन का खुद ही पालन करते हुए नजर आए। वहीं लोगों बिना मास्क लगाए बाइकों पर चल रहे थे, उनको पकड़कर पुलिस ने उनके खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई करते हुए चालान किए। कोतवाल सलाउद्दीन ने बताया कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। तो ये है कि कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए किया गया है, और जो चेकिंग अभियान है वो डेली रोजाना इसी क्रम में चल रहा है,
ताकि लोग बिना जरूरत बाहर ना निकले, और लोग जो बाहर इस टाइम निकल रहे हैं जरूरत से वो मास्क लगा कर निकले और हेलमेट लगा कर निकले, यातायात के नियमों का ही पालन करें। लगभग 42 गाड़ियाँ सीज हो चुकी हैं और 81 में चालान किया गया है और लॉकडाउन के भी मुबंध किए गए हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। सारथी हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला। नहीं, पहले तो ये बात है कि ये अभी एपिडेमिक कानून के तहत बनाया है, बट एक अच्छी शुरुआत है। सारथी और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेरीनाग के डीडी हार्ट में कोविड 19 के खिलाफ लगातार जंग लड़ रहे पर्यावरण मित्रों और पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, बैंक कर्मियों सहित इससे जुड़े हुए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों का डीडीहाट नगर पालिका अध्यक्ष कमला चौफाल ने सामाजिक दूरी बनाते हुए सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान इनका शंख ध्वनि, फूल मालाओं और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने घरों की छत से पुष्प वर्षा कर भोजन भी कराया। नगर पालिका अध्यक्ष डीडीहाट कमला चौफाल ने कहा कि इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के कारण डीडीहाट में लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। कि जो साफ सफाई में लगे हुए अपनी चिंता ना करते हुए, तो उनके लिए हमने कल सम्मान भोज रखा, उनका हमने पूरे आदर सत्कार के साथ उन्हें हमने भोजन कराया, उनके सम्मानित किया। और आज हम सभी पुलिस कर्मियों को और सभी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को सम्मानित करेंगे और जिस समर्पण के साथ वो रात दिन लगे हैं, वो वाकई में कोई, इसको मैं देवीय ताकत बोलूंगी, भगवान का वरदान कहूंगी कि बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ वो डटे हुए हैं। और हमने जो हमारे पुलिस विभाग है तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि रात दिन धूप में खड़े होकर, बरसात में खड़े होकर उन्होंने जो सेवा दी है, तो उनका हमारे पर मैं उनका धन्यवाद कहूंगी तहे दिल से। और उन्हें भी हम लोग आज सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया, देश के लिए किया है, वो वाकई में बहुत सम्माननीय है। और जो डॉक्टर्स जो कर रहे हैं उनको भी आज हम सम्मानित करेंगे यहाँ पर, उनको भी मैं धन्यवाद कहना। और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को देखते हुए अब मंगलौर स्वास्थ्य केंद्र ने भी अपने बलबूते पर अस्पताल में प्रवेश करने वाले मरीजों के लिए सैनिटाइजर टनल लगाया है। टनल प्रत्येक मरीज को सैनिटाइज करेगा। वहीं मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक गार्ड की व्यवस्था भी की गई है। अब अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए टोकन की व्यवस्था भी की गई है, जिसके आधार पर ही एक एक करके मरीजों को डॉक्टर के चैम्बर तक भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों की इस पहल से कोरोना जैसे भयंकर वायरस से काफी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। हमने एक सैनिटाइजर चैम्बर बनाया है, इसमें एंट्रेंस एक साइड से होगी, ऑटोमेटिकली ये ऑन होगा और ये कंप्लीट बॉडी पे स्प्रे करेगा सैनिटाइजर का, जिससे कंप्लीट बॉडी सैनिटाइज हो सके ताकि बाहर से कोई इन्फेक्शन लेके अस्पताल के अंदर ना आए। साथ में हमने साइड में वहाँ पर वॉश बेसिन लगाई है, साबुन हैंड वॉश की व्यवस्था की है,
ताकि लोग हाथ धोकर ही अंदर आए। तीसरा, अगर कोई बिना मास्क के यहाँ हमारा, उनको मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो पीआरडी जवान लगे हुए हैं वो यहाँ पर सैनिटाइज करा रहे हैं लोगों को, उनका हैंड सैनिटाइज करा रहे हैं। और बेसिकली हमने बाहर एक और व्यवस्था की है, टोकन सिस्टम, जो यहाँ ओपीडी में आते हैं उनको टोकन सिस्टम की व्यवस्था की है। और लॉकडाउन का पालन कराने और रमजान को शांतिपूर्वक मनाने के उद्देश्य से कोतवाली परिसर में एसडीएम और पुलिस क्षेत्र अधिकारी की मौजूदगी में अमन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि रमजान की नमाज मस्जिदों की जगह अपने अपने घरों में पढ़ी जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार का ध्वनि नियंत्रण और लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस दौरान मुस्लिम समुदाय ने कई समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा, जिस पर अधिकारियों ने जल्द ही समाधान का भरोसा दिया है। वहीं एसडीएम विवेक राय ने बताया कि देश प्रदेश में कोरोना को लेकर लॉकडाउन प्रभावी है, इसी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर ये निर्णय लिए गए हैं। रमजान को शांतिपूर्ण अमन चैन के साथ आज की परिस्थिति में कोरोना संक्रमण को फैलने को रोकने की व्यवस्था करते हुए कैसे मनाया जाए, इसके लिए अमन कमेटी की एक बैठक की गई, सभी लोगों की राय ली गई। सभी एक राय से सहमत हैं कि घरों में रह करके नमाज पढ़ी जाएगी, मस्जिद में कोई नहीं आएगा, और मस्जिद में कब नमाज है कब सहरी है इसको सूचना पैम्पलेट के माध्यम से लोगों के बीच में वितरित की जाएगी। और रुद्रप्रयाग में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक 415 मामले पंजीकृत किए गए हैं। इसमें 45 वाहन सीज भी किए जा चुके हैं, जबकि बिना मास्क के घूमने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर चालान भी काटे गए हैं। इसके साथ ही बिना परमिशन के वाहन दौड़ाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जिले में लॉकडाउन का पालन न करने पर पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन में नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि कुछ देने के लिए हैसियत नहीं नियत होनी चाहिए। इस कहावत को उधम सिंह नगर के किच्छा ग्राम गिद्धपुरी के रहने वाले गुलाब राय गंगवार ने सच साबित कर दिया है। गुलाब राय गंगवार पेशे से एक मजदूर हैं और दूसरों के खेत में मजदूरी कर अपने घर का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दे दी तो संकट में एक महीने का राशन जरूरतमंद लोगों को दान करने का निर्णय लिया। और मजदूर गुलाब राय गंगवार ने मोदी कैंटीन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए मोदी कैंटीन को भेंट में दे दिया। मजदूर गुलाब राय ने कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में हम सभी को अपने अपने स्तर से योगदान देना चाहिए, ताकि देश को इस मुसीबत की घड़ी से बचाया जा सके और कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सके। मैं तो खेतों में काम कर रहा हूँ, कमा ले रहा हूँ, अपने परिवार बच्चों को पाल रहा हूँ, जिनको जरूरत है उनको मैंने ये दान दे दिया भाजपा के द्वारा। जहां एक तरफ कोरोना के कहर से पूरी दुनिया सहमी हुई है, तो वहीं सरकार हर संभव मदद कर रही है। पूरा विस्तार से ये खबर को आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। सारथी लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे, ओ
छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला बसंत, अनोखा स्वाद। आज हमारे साथ बात करने खुद मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी जी। नमस्कार। क्या क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? मनीष जी, कोविड-19 को नियंत्रण करना, सभी लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रखना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी का मेडिकल टेस्ट या कोरोना टेस्ट कराया जा सके, क्या इसको लेकर तैयारी है आपकी? 3,000 से भी अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखते हैं और पूल टेस्ट करने के बाद तो ये क्षमता इससे भी कई गुनी बढ़ जाएगी। जो कोरोना हॉटस्पॉट एरिया है उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कि हम कितने दिन और अभी घरों में कैद रहेंगे। हमें कोरोना से लड़ाई करनी है तो कुछ दिन ये त्याग करना पड़ेगा। आपके दर्शकों के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में हम सब मिलकर के इसका मुकाबला करें, लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाएं। नहीं, पहले तो ये बात है कि यह अभी एपिडेमिक कानून के तहत बनाया है, बट एक अच्छी शुरुआत है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे, जहां एक तरफ कोरोना के कहर से पूरी दुनिया सहमी हुई है तो वहीं सरकार हर संभव मदद का आश्वासन दे रही है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर शहर कस्बे कस्बे तक सरकारी मशीनरी गरीब बेसहारा लोग और मजबूर लोगों की मदद के लिए काम कर रही है। इसके लिए शासन स्तर से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड का एक गांव तमाम दावों से वादों से कोसों दूर है। इस रिपोर्ट में देखिए। जी हाँ, उत्तराखंड ये गांव जिसे हरिपुर टोंगिया के नाम से जाना जाता है, गांव देवभूमि उत्तराखंड के ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड भगवानपुर में पड़ता है। इस गांव के हजारों परिवारों को ब्रिटिश काल से जहां भारत की पूर्ण नागरिकता का इंतजार है, तो वहीं अब लॉकडाउन में सरकारी सुविधाओं के लिए इनकी आंखें तरस रही है। सरकार गरीब लोगों तक राशन मुहैया कराने का दम भर रही है, लेकिन इन गांव में राशन के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। मनमाफिक तौर तरीकों पर राशन का वितरण किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण बेहद दुखी हैं। ग्रामीणों की माने तो सरकार के आदेश इस गांव में आते आते दम तोड़ देते हैं। फिलहाल ग्रामीणों को संपूर्ण राशन नहीं मिल रहा, जिसको लेकर ये ग्रामीण अपनी बेबसी पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। 5 मेरा बच्चे, 1 मेरा पति और क्या नाम, अब तलक मेरा राशन कार्ड नहीं बना। नो बता, जो अब तलक जो सरकारी सुधारी हुआ मुझे मिल रहे, तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? जब कहीं मजदूरी नहीं करने का तो बच्चे क्या खाएंगे? फिर तो भूखे मरेंगे। इस तरह घर में जो सरकार दे रही तो सबको देवा, यहाँ पर भी देवा, जो सब कुछ मिल रहा। हमें बहुत हो रही परेशानी, कोटा भी टाइम पर नहीं मिलता, 7 जने एक परिवार में, फिर भी अच्छा कोटा नहीं मिलता। अब क्या कर खा लो, बच्चे भूखे है, अपना पूरा पाड़ो, बच्चों का पूरा पाड़ो, अब परिवार तो बढ़ता ही जाएगा ना। अब ये बताओ हम खाना कैसे खाएंगे? गुजार करो, पुरानी सुविधा हमें मिला तो नहीं मिला। मेरा नाम है, 500 रुपए देते हैं संजू डीलर को, प्रधान तो हरि सिंह वैसे, मतलब 500 रुपए किस काम के दिए? रेंजर है वैसे तो प्रधान है इनका, बस पहला में 7-8 देख रहा था, जब तो हमारा संजू जब तो 6-8 दे राशन, फिर यहाँ तो दिक्कत बहुत हो रही इस गाँव में। मिला कितनी यूनिट आपकी? 8। इस गांव में अभी भी राशन उसी पुराने ढर्रे पर बांटा जा रहा है। इस बाबत जब खाद्य आपूर्ति अधिकारी TN शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन राशन कार्ड का ही राशन उपलब्ध हुआ है।
जो राशन दिया है कि जिनके कार्ड ऑनलाइन है, जितने आधार लगे हुए आधार बेस पे सरकार ने राशन दिया है उन 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो उन्हीं को फिलहाल उन्हीं की व्यवस्था की जा रही है जिनके आधार लगे हुए हैं, कार्ड बने हुए हैं, और जिनके कार्ड नहीं बने हुए उनकी भी हम व्यवस्था कराने जा रहे हैं। उनके हम फिगर मंगा रहे हैं किस गांव में कितने परिवार ऐसे जिनके राशन कार्ड नहीं बने, उनको सरकार की ओर से जब भी हमें खाद्यान्न प्राप्त हो जाएगा खाद्यान्न उपलब्ध करा। कोरोना वायरस के संकट से जहां हर कोई परेशान है और शासन प्रशासन लोगों की हर संभव मदद और सहयोग में जुटा है, तो वहीं हरिपुर टोंगिया गांव में अधिकारियों की उदासीनता लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। रुड़की से के न्यूज के लिए तौसीफ अली की रिपोर्ट। और डोईवाला में देहरादून वन विभाग के थानों रेंज में फायर सीज को देखते हुए सतर्कता और गश्त बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के समय में जंगल के पशु पक्षियों का भी वन विभाग के अधिकारी पूरा ध्यान रख रहे हैं। रेंज अधिकारी उदय गौड़ और उनकी टीम ने जंगल में कई स्थानों पर जंगली जानवरों और पशु पक्षियों के छोटे छोटे तालाब बनाए हैं ताकि गर्मी के सीजन में पशु पक्षियों को पानी पीने का जो है मिल सके। जंगलों को बाघिन से बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो वहीं रेंज अधिकारी उदय गौड़ और उनकी टीम के प्रयास की क्षेत्र में सराहना हो रही है। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो गया है और हमारे द्वारा थानो रेंज में पहले ही फायर लाइन को काट चुके हैं और फायर लाइन की सफाई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि आजकल गर्मी बढ़ रही है तो जो साल के जंगल हैं उनमें साल के पत्ते नीचे गिर रहे हैं, और जो हमारा ऊपर पहाड़ी एरिया है लड़वाकोट जो हमारा ब्लॉक है उसमें जो चीड़ के जो पिरुल हैं वो गिर रहा है, चीड़ की निडल गिर रही हैं, उनको भी हम सफाई कर रहे हैं, उनकी भी हम लोग नियमित जो है उनका फुकान किया जा रहा है। साथ ही साथ इस बार सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली है वो ये है कि जब से लॉकडाउन हुआ है ये 25 मार्च से, तब से ये देखने को मिला है कि चूंकि सड़कों पर आवाजाही कम है, लोग कम जा रहे हैं बाहर, लोग कम निकल रहे हैं जंगलों में, लोग कम जा रहे हैं और जंगल में प्रेशर भी कम है। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।